भाइयों और बहनों, देश के इतिहास में दोस्तों देश के इतिहास में आज का दिन एक और वजह से भी बहुत विशेष है। 1971 में आज के ही दिन भारत की वीर सेना ने आतंक, अत्याचार और अराजकता की प्रतीक शक्तियों को धूल चटाई थी। इस युद्ध का हिस्सा रहे देश भर के सभी सैनिकों को मैं नमन करता हूं। जो सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए, शहीद हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी अनेक वीर सपूत थे, उनको भी मैं 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सेना के शौर्य समर्पण के प्रति दिसंबर के सर्द मौसम में भी सरहद पर तैनात अपने प्रहरियों का गौरव गान करने के लिए आप सभी दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, मुट्ठी भींचकर मेरे साथ उन वीर जवानों के लिए बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, सोचिए जिस भारत मां की जय के नारे पर आपको गौरव होता है, कुछ लोगों को इससे भी शर्मिंदा होते देखा गया है। ये किस तरह के लोग हैं जिन्हें भारत माता के जयघोष से दिक्कत है, जिन्हें देश की परवाह नहीं है। साथियों, मोदी को उन्हें गाली देनी है, मैं जानता हूं। मोदी पर वो किसी भी तरह एक दाग लगा देना चाहते हैं, ये भी जानता हूं। लेकिन जानना चाहता हूं कि इसके लिए देश को ताक पर क्यों रख दिया गया है, क्यों देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज देश के सामने दो पक्ष है। एक पक्ष सत्य का है, सुरक्षा का है, सरकार का है, जो हर तरह से कोशिश कर रही है कि हमारी सेना की ताकत बढ़े। दूसरा पक्ष उन ताकतों का है जो किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहता है। आप मुझे बताइए भाइयों, हमारे देश की सेना ताकतवर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की सेना सामर्थ्यवान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सेना के हाथ में आधुनिक हथियार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आज देश ये देख रहा है कि कांग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी है, हमारे विरोधी उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते। ऐसे लोगों की कोशिशों को किन किन देशों से समर्थन मिल रहा है, ये भी देश देख रहा है। क्या कारण है कि हाँ ऐसी भाषा कुछ नेता बोल रहे हैं, तालियां पाकिस्तान में बजाई जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों, रामचरितमानस में
एक चौपाई है। साथियों, रामचरितमानस में एक चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठ छबेना। यानी कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं। कुछ लोगों ने इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया है और इसलिए ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्रालय भी झूठा है, देश की रक्षा मंत्री भी झूठी है, भारतीय वायुसेना के अफसर भी झूठे हैं, फ्रांस की सरकार भी झूठी है, अब तो उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत भी झूठी लगने लगी है। लेकिन साथियों, सच को श्रृंगार की जरूरत होती नहीं है, सच को श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, और झूठ चाहे जितना भी बोला जाए उसमें जान नहीं होती है। लेकिन हमारे यहां बहुत बड़ी बात कही गई है कि जयेत सत्येन चानुतम, यानी झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर सत्यवादिता से ही विजय प्राप्त होती है। मैं देशवासियों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकारों का इतिहास, सेनाओं के प्रति कांग्रेस का रवैया क्या रहा, ये देश कभी उनको माफ नहीं करेगा, देश कभी उसे भूलेगा नहीं। साथियों, करगिल युद्ध के बाद हमारी वायुसेना ने आधुनिक विमानों की जरूरत बताई थी। करगिल की लड़ाई के बाद, अटल जी की सरकार के बाद कांग्रेस ने 10 साल देश पर राज किया, लेकिन वायुसेना को मजबूत नहीं होने दिया। आखिर क्यों, किसके दबाव में? भाइयों और बहनों, रक्षा सौदों के मामले में कांग्रेस का इतिहास बोफोर्स घोटाले वाले क्वात्रोची मामा का रहा है। कांग्रेस सरकार के समय में हुए हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी एक और अंकल क्रिश्चियन मिशेल को पकड़कर कुछ दिन पहले ही भारत लाया गया है, और हम सभी ने ये भी देखा है कि कैसे इस आरोपी को बचाने के लिए कांग्रेस ने तुरंत अपना वकील अदालत में भेज दिया। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि क्या वो इसलिए भड़की हुई है, झूठ पर झूठ बोल रही है, क्योंकि भाजपा सरकार जो रक्षा सौदे कर रही है उसमें कोई क्वात्रोची मामा नहीं है, कोई क्रिश्चियन मिशेल अंकल नहीं है? क्या इसलिए वो अब न्यायपालिका पर अविश्वास का माहौल पैदा करने में जुट गई है, न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा करने में वो बराबर लगे हुए हैं? भाइयों और बहनों, हमारे लिए हमेशा
दल से बड़ा देश है और जीवन पर्यंत आने वाली पीढ़ियों तक हमारा यही मंत्र रहेगा, दल से बड़ा देश है। आज मैं देश को कहना चाहता हूं कि जब देश की सुरक्षा की बात हो, सेना की जरूरतों की बात हो, सैनिकों के सम्मान की बात हो, केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखती है, राष्ट्रहित, देशहित, जनहित, यही हमारी परवरिश है, यही हमारी सरकार के संस्कार है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारत की सेनाएं किसी से कम न हो। हमारे लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को कभी दिक्कत न हो। आखिर मैं उस मां के प्रति भी तो जवाबदेह हूं जो अपना बेटा सीमा पर भेजती है। मैं उस बहन के प्रति भी तो जवाबदेह हूं जिसने अपना भाई बॉर्डर पर भेजा है। जो परिवार, जो बच्चे अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं, उनके प्रति भी तो मेरी जवाबदेही है। जब तक हमारी सरकार है, जब तक मैं हूं, सरकार ऐसे लाखों करोड़ों परिवारों के प्रति जवाबदेह होगी, एक परिवार के प्रति नहीं। इसके लिए कड़े से कड़े फैसले लेना हो, हमारे कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे।